Hi, I am Rakesh Sabharwal, a film maker, distributor and a dreamer. आज मैं मारवा इंस्टीट्यूट के अंदर हूँ और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि एज ए फिल्म मेकर मेरे को 40 साल हो गए इस लाइन में और कई फिल्मों से कई तरह के डिस्ट्रीब्यूशन से एसोसिएट रहा. आज जो फिल्म मेकिंग जिस दौर में पहुँच गई है वो और जो 40 साल पहले होता था उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है. अभी फिल्में वही चल रही है जिनका कंटेंट बहुत अच्छा है. दैट मीन्स कंटेंट इज़ द हीरो ऑफ द फिल्म. तो आप एज ए फिल्म मेकर कोई भी अगर फिल्म बनाना चाहते हैं या फिल्म बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए कि आपके पास एक बहुत अच्छी कहानी हो, क्योंकि जब तक आपके पास अच्छी कहानी नहीं होगी आपकी फिल्म नहीं चलेगी. फिल्म मेकिंग के अंदर भी अभी बहुत सारी सहूलियतें हो गई जो पहले नहीं थी. पहले के दौर के अंदर लंबे लंबे शॉट्स होते थे, रॉ स्टॉक होता था. वो डिजिटल होने के कारण से अब वो ख़त्म हो चुका है और हम लोग फिल्म को बड़े कॉम्पैक्ट तरीके से शूट कर सकते हैं. ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं होता है. अगर आपके पास में कहानी अच्छी उसके हिसाब से किरदार आप ले सकते हैं. अभी वो ज़रूरी नहीं रह गया है कि आपके पास बड़े स्टार हों तभी फिल्म चलती है. और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मार्केटिंग में आजकल सोशल मीडिया सबसे बड़ा एक अहम हिस्सा हो गया है. सोशल मीडिया को आप फिल्म मेकिंग के साथ कनेक्ट करके चलते हैं तो आपकी फ़िल्म जब तक रिलीज़ के लिए आती है तो बहुत सारी चीज़ें लोगों को आपकी और आपकी फ़िल्म के बारे में मालूम होती है. तो मेरा यही कहना है आप लोगों से कि अगर आप फिल्म बना रहे हैं उसको बड़ा स्मार्टली प्लान करें कि आपके पास में सोशली कनेक्ट करने के लिए कोई मैसेज हो. आज का यूथ जो सबसे ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान में है वो फिल्म को देखता है, उनके लिए कुछ उस फिल्म की कहानी में होना चाहिए, उसकी मेकिंग में कुछ होना चाहिए. तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप अगर फिल्म बना रहे हैं, प्लेटफॉर्म बहुत सारे हो गए हैं, डिजिटल इतने प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, खाली थिएटर रिलीज़ वाला जो पहले होता था वो नहीं है, आपको बहुत से एवेन्यूज़ मिलते हैं. उन एवेन्यूज़ पे जाके आप अपनी फिल्म का बिजनेस कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो. तो ऑल द गुड विशेज़ टू न्यू फिल्म मेकर्स. थैंक यू वेरी मच.